today we are going to discuss topic human brain from chapter control and coordination class 10 science human brain central nervous system is considered as the supreme power of controlling all the responses beta b isse pehle, previous topic mein, humne nervous system ke bare mein discuss kiya tha. nervous system is divided into two parts one is the central nervous system एंड अदर इज़ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको शॉर्ट में सी एन एस वी कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉन द ह्यूमन ब्रेन इज़ द मेन कॉर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी बेटा ह्यूमन ब्रेन जो है हमारी बॉडी का मेन कॉर्डिनेटिंग सेंटर है इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटिड यह हमारी बॉडी के सभी पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको इंटीग्रेट करता है ब्रेन इज प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी आल्सो कॉल्ड क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स जो ब्रेन है ये क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये क्रेनियल कैविटी ब्रेन को मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करती है बेटा ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट ऑर्गन ब्रेन का जो वेट है इट इज़ 1.2 पॉइंट टू टू वन पॉइंट फोर के जी एंड ब्रेन कंस्टिट्यूट्स

फर्स्ट दे गिव सपोर्ट टू द ब्रेन एंड सेकेंड दे प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर शॉक्स एंड अदर हैजर्ट्स वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज़ हाईली कॉम्प्लीकेटेड मोस्ट एडवांस्ड ब्रेन को मेन थ्री रीजन्स में डिवाइड किया है फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिन ब्रेन मेटा एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो यहाँ पर आपको लेबल किया हुआ है फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड्रेन तो ब्रेन के जो मेन थ्री पार्ट्स हैं थ्री रीजन्स हैं दीज आर फोरब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड्रेन फोरब्रेन फोरब्रेन जो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इट इज ऑल्सो नोन है सेरीब्रम इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो फोरब्रेन है ये ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है इट रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्राम वेरियस रिसेप्टर्स जो रिसेप्टर से सेंसरी इंपल्स आते हैं उनको फोर ब्रेन रिसीव करता है फोर ब्रेन में सेपरेट एरियाज़ हैं फॉर हियरिंग स्मेल साइट एंड सो ऑन ये सारे जो एरियाज होते हैं ये सेरिब्रम में हैं प्रेजेंट हैं एंड दे कंट्रोल थिंकिंग एंड मेमोरी। सो ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन तो वॉलेंट्री एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए फोर ब्रेन जिसको सेरिब्रम भी कहते हैं एंड दिस सेरिब्रम इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिसफियर जो सेरिब्रम है ये दो हेमिसफेयर में डिवाइड है द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसर एंड द राइट सेरिब्रल हेमिसफेयर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फोर ब्रेन में इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिसफेयर और इसमें मोटर एरियाज होते हैं ये जो मोटर एरियाज हैं इसमें रिसेप्टर्स से जो सेंसरी इम्पल्स आते हैं उनको रिसीव करने के लिए लोब्स हैं फ्रंटल पैरेटल टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब्स दीज लोब्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस पहला है फ्रंटल लोब इट इज़ अ सेंटर फॉर स्पीच फेशियल एंड मस्कुलर एक्टिविटीज़ एंड हायर मेंटल एक्टिविटीज़ ऑल्सो बेटा ये जो फ्रंटल लोब है ये हमारा बोलना स्पीच के लिए फेशियल जो हमारे एक्सप्रेशन हैं मस्कुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है नेक्स्ट लोब इज टेम्पोरल लो ये वो रीज़न है जो स्मेल और हियरिंग को रेगुलेट करता है ऑलफेक्ट्री रिसेप्टर जो हमारे स्मेल है उसको और ऑडिटरी जो हमारी सुनने की पावर है उसको रेगुलेट करता है नेक्स्ट इज ऑस्पिटल इट इज़ सेंटर फॉर विजुअल रिसेप्शन ये देखने के लिए जो हमारी पावर है उसको रेगुलेट करता है एंड द लास्ट इज पेरिटल लोब इट इज द रीजन फॉर टच टेस्ट पेन टेम्परेचर एंड इंटरप्रटेशन ऑफ वेरियस सेंसेशन एज यू कैन सी इन द फिगर यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन का फिगर आप देख रहे हैं बेटा इसमें फोर लोब्स दिखाए हैं फ्रंटल लोब टेम्पोरल लोब पेरिटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द मिड ब्रेन मिड ब्रेन एक स्मॉल एरिया है विच लाइज बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन मिड ब्रेन रेगुलेट्स रिफ्लैक्स एक्शन बेटा यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि रिफ्लैक्स एक्शन जो हमने पहले पढ़े थे वो दो टाइप के थे वन इज द स्पाइनल रिफ्लैक्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉल एंड द अदर आर द सेबरल रिफ्लैक्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन तो यहाँ पर जो हम मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं इट कंट्रोल सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस जो ब्रेन के रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं जिनको सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं मिड ब्रेन उनको कंट्रोल करता है एग्जाम्पल इसमें है चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपल जैसा आपने देखा है जब आप ब्राइट सनशाइन में जाते हैं तो आपकी आइज़ जो होती हैं बंद हो जाती हैं पीपल जो है वो श्रिंक हो जाता है दिस दिस इज रेगुलेटेड बाय द मिड ब्रेन रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस जो हमारे हेड के नेक के मूवमेंट्स होते हैं इनको भी मिड ब्रेन रेगुलेट करता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द हिंड ब्रेन ब्रेन इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स पॉन्स जिसका पूरा नाम है पॉन्स वेरोली नेक्स्ट इज मड्यूला फुल नेम इज़ मेड्यूला ऑब्लेंगेटा एंड द थर्ड पार्ट इज़ द सेबेलम सेबेलम It is the second largest part of the brain. Bita, cerebrum or cerebellum, ye dono alag alag term hai. Cerebrum is the part of the forebrain and it is the largest part of the brain. This is cerebellum. Cerebellum is the part of hindbrain and it is the second largest part of the brain. What are the functions performed by cerebellum? Cerebellum kya, -kya function perform karta फर्स्ट फंक्शन जो है टू मेंटेन द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी आपकी बॉडी के पोस्चर को आपकी बॉडी के इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस को रेगुलेट करना ये आप सेरिबेलम का काम है ड्यूरिंग वॉकिंग जब आप वॉक करते हैं जंप करते हैं बाइसिकल राइडिंग जब आप करते हैं तो उस समय बॉडी के बैलेंस को बनाना रेगुलेट करना ये सेरिबेलम का काम है सेकेंडली इट ऑल्सो इनेबल्स फॉर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट ये हमारी बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करता है और हमारे जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं उनको प्रिसाइज और एक्यूरेट करता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन इज द पॉन्स पॉन्स इट इज़ द ब्रिज बिटवीन सेरीब्रम एंड सेरीबेलम पॉन्स जो है वो सेरीब्रम और सेरीबेलम के बीच में ब्रिज का काम करता है इट मींस इट कनेक्ट फोर ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड ये फोर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है इट कंट्रोल्स मेनली द ब्रीदिंग रेट एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन पॉन्स का जो मेन फंक्शन है इट कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन और ये एक रिले सेंटर की तरह भी काम करता है द थर्ड पार्ट ऑफ द हिंड्रेन इज मिड्यूला विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिड्यूला ऑब्लेंगेटा मेडुला जो है वो हमारी बॉडी के इन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है बेटा इन वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे विल में नहीं है जो हम अपने आप से नहीं करते हैं हमारे ना चाहते हुए भी वो एक्शन होते हैं दीज आर कॉल्ड इन वॉलेंट्री एक्शंस तो मेडुला ब्लड प्रेशर सलाइवेशन वॉमिटिंग कफिंग ये सारे के सारे इन वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो अपने आप होते हैं इन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना हिन् ब्रेन के मेडुला का फंक्शन है सो द पॉन्स मेडुला ऑब्लेंगेटा एंड मिड ब्रेन, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम यानी ये जो तीनों पार्ट्स हैं पॉन्स मेडुला ओब्लेंगेटा एंड मिड ब्रेन, टुगेदर दे आर कॉल्ड द ब्रेन स्टेम द नेक्स्ट इज द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसको शॉर्ट में सी एन एस भी कहते हैं जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नर्वस सिस्टम हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं द अदर इज द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पी एन एस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ नर्वस इसमें तीन तरीके की नर्वस होती हैं क्रीनियल नर्व्स स्पाइनल एंड विसरल नर्व ये तीनों नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हैं क्रेनियल नर्व्स ये ब्रेन से अराइज होती हैं एंड टोटल ट्वेल्व पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व क्रेनियम क्रेनियम वर्ड से बना है क्रेनियल नर्व ब्रेन से अराइज होती हैं ये ट्वेल्व पेयर्स में होती हैं अदर इज़ द स्पाइनल नर्व दे अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे आर थर्टी वन पेयर इन नंबर टोटल पेयर जो स्पाइनल नर्व्स के हैं थर्टी वन हैं एंड द लास्ट इज़ द वस्टरल नर्व दिस अराइज़ फ्राम द स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्यू ऑफ दैम ऑल्सो अराइज़ फ्राम द ब्रेन यानी इसमें ज़्यादातर नर्वस जो है वो स्पाइनल कॉड से अराइज करती हैं और कुछ जो है वो ब्रेन से भी अराइज़ करती हैं दे कंस्टिट्यूट द ऑटोनिक नर्वस सिस्टम ये जो विस्टरल नर्वस हैं ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं बेटा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम